हरे कृष्णा, मैं सबसे पहले अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में बार बार अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव ओम नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि परिपाठ करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जयित एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। कल कुलदेव ने जो श्रवण कराया था उसको एक बार पुनः हम लोग श्रवण करें। पहले गुरुदेव ने बोला कि जो कंस था उसको एकदम से आश्चर्य हुआ, क्यों? क्योंकि जब योग माया देवी प्रकट हुई अष्टभुजा लेकर के अष्टभुजी तत्प्राद्यन्न भूतौ, जब उस भूत मतलब जो हो चुका है भूत की विषय में यहाँ पे बता रहे हैं कि जब वो अष्टभुजी देवी साक्षात प्रकट हुई तो कंस एकदम से चौंक गया, उसको आश्चर्यचकित हुआ, उसको भय हुआ, क्यों? और उसको विश्वास भी हो गया क्योंकि वो उसकी जो आराध्या देवी थी कंकाली देवी जो है वो साक्षात अंबिका स्वरूप वही, इस कारण से उनको जो है उसको आश्चर्य हुआ और उसको विश्वास हुआ। तत्काल भय का भी उसके अंदर प्रवेश हो गया और उसने सभी सारे के सारे अपने सारे गुप्तचरों सभी को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद जब वार्ता करने के बाद इससे पहले की घटना यह है, उन्होंने देवकी और वसुदेव को समझाया सारा का सारा जो तत्व ज्ञान इत्यादि सिद्धांत के साथ कि क्या शरीर है, क्या आत्मा है, शरीर का क्या संबंध आदि इत्यादि इत्यादि समस्त तत्व ज्ञान का उपदेश किया। और फिर उसके बाद उसने अपने सारे गुप्तचरों मंत्री इत्यादियों को बुलाया। जब मंत्री इत्यादि को बुलाया, क्योंकि राजा का कर्तव्य क्या है, राजा का कर्तव्य सदमार्ग पर चलना है, पर जिसके साथी और जिसको सलाहकार ही ऐसे मिले हैं ऊटपटांग, तो फिर वो राजा की मति भी ऊटपटांग तरीके से फिर जाती है। ये राजा यद्यपि चाहे स्वयं की मति से स्वधर्म करना, परंतु यदि मंत्रीजन अधर्म का उपदेश करे और मंत्रीजन के ही कारण राजा की मति जो है भ्रमित हो जाती है, तब वो सहज ही अधर्म के मार्ग पर प्रशस्त हो जाता है। इसी कारण से सबके सब जो है सारी की सारी सभा वहां पर एकत्रित हुई। जब सभा एकत्रित हुई तो उसके बाद क्या हुआ, पूछा कि किस तरीके से क्या किया जाए। तो कंस ने कहा, उनके मंत्रियों ने कहा कि जो विष्णु है वो साक्षात किन, जो विष्णु है उसके प्रिय कौन है, अथवा देव को बल प्रदान करने वाले क्या है, गाय है, यज्ञ है, गावश्च यज्ञश्च वेदश्च तथा समं श्रद्धया तथा प्रीता इत्यादि इत्यादि करके श्रद्धा इत्यादि ये समस्त जो है इनका जो है जब इनका अभिमार्जन करके इनका खंडन करके इनको उत्पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करेंगे तब जा करके यहाँ पर निषेधत्व प्रकट होगा। इसी से ही वहां पर जो है उसको विष्णु को जो है जो विष्णु है उसको जो है वापस से उत्पीड़न और इत्यादि समस्त ये आलोचन करके ये सब इनका निर्देश कंस करता है। दूसरी बात, अब फिर क्या किया उसने क्या किया, जो साधु ब्राह्मण इत्यादि संत महात्मा है अथवा लिखा हुआ है जो पुरुष है, महंत पुरुष अतिक्रमाह तद पीड़ने है, महत्पुरुष जो हैं, जो साक्षात वेद सिद्धांत इत्यादियों का पालन करने वाले हैं, जब उनको पीड़ा पहुंचाने लगा तो वही सिद्धांत प्रकट हो गया कि भगवान का जो यदा यदा ही धर्मस्य वाला जो यहाँ पर जो न्याय है वो प्रस्तुत हो गया। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ही असुर धम अभिमानी, तब तब धरी हरि विविध शरीरा, हरही कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान जब इन सब पे अत्याचार होता है तब जाकर के श्री भगवान प्रकट होते, तब जाकर के भगवान का आविर्भाव होता है और यही कारण है। फिर उसके बाद गुरुदेव ने बताया था कि ये जो कृष्ण प्रकट हुए हैं ये साक्षात नंदनंदन स्वरूप श्री कृष्ण ही है। नंदनंदन इसके लिए गुरुदेव ने काफी सारे एग्जाम्पल बताए थे। सबसे पहले वाला तो श्लोक है, इतना सुंदर श्लोक है ये,
कि जो नंदोत्सव का श्लोक है वो शुरुआत यहीं से ही है इस श्लोक की। और ऐसा ऐसा भी है कि प्रत्येक 18 के 18 श्लोक के बहुत सारे संत ऐसे होते हैं जो नित्य प्रति सुबह 18 श्लोकों का ही पाठ करते हैं। तो उनका पहला श्लोक है, नंदस्तात्मज उत्पन्ने जातालहादो महामनः आरुय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंदस्तात्मज उत्पन्ने, ये नंदनंदन ही है वसुदेव नंदन, ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा जो शब्द क्या होता है, आत्मा जो शब्द संस्कृत और अमर कोश में रक्त संबंधित आत्म शब्द जायते है, रक्त से जिसका संबंध होता है वही आत्मा आत्मा जो शब्द के प्रयोग में यहाँ पर प्रस्फुटित होता है। इस कारण से नंदस्त आत्मा जो उत्पन्न यह सब अर्थ इत्यादि नवीनतम अर्थ प्रकाशिता, इसीलिए यहाँ पर यह अर्थ प्रकाशित हुआ है, ये नंदस्तात्मज उत्पन्न जाता लादो महामना आह्लाद महामना नंद, जिनका अत्यंत आह्लाद आह्लाद है जिनके मन में, उनके यहाँ पर सुत बन करके श्री भगवान प्रकट हुए। नंदस्तात्मज उत्पन्न जाता आह्लादो महामना आरुय विप्राण वेद ज्ञान स्नात सुजरलंकता, अन्य अन्य प्रकार के विद्य विभूषण और इत्यादि शुभ संकल्प और संकेत के वाचक श्री भगवान वहां पर प्रकट हुए। ये पहला पहला इंडिकेशन है और पहला ये प्रूफ है कि श्री भगवान जो है वे नंद नंदन है। दूसरी बात ब्रह्मा जी जहाँ उपासना कर रहे हैं, नव मिट्यते अभ्रवपुषे पशुपांग जाया भुंजावतम सपरिपिच्छलसन्मुखाय, यहाँ पर पशुपांग जाय पशुंश पालयति इति पशुपांग जाय, अथवा पशु को जो पालते हैं फिर गावश्च पालयति ही इति पशुपांग जाय, जो गाय का जो श्री गोपाल है पशुपांग जाय, अथवा यहाँ पर जो श्री पाद टीका कर रहे हैं पशुपांग जाय नंद, जो नंद जो है वो पशुपालयति पशु जिनके यहाँ पे अनंत गाय है उनके यहाँ पर जायमान श्री कृष्ण है। तो इस कारण से यहाँ पे नंदनंदन श्री कृष्ण का ही संपूर्ण उदय हो रहा है और यही है ये दूसरा प्रूफ है कि ये साक्षात नंदस्त आत्मज उत्पन्न है। तीसरा, कृष्ण यशोदा जी के सुत हैं इसलिए यहाँ पर शब्द आया देही नाम यशोदा सुतः, ये साक्षात यशोदा जी के नंदन है। चौथा आया है कि अच्छा एक और बात है, जैसे कोई नई नई जैसे प्रसूति होती है जिसका प्रसव अभी अभी हुआ है, तो प्रसूतिकरण जहां पर हुआ है वहां पर जो उपस्थित थे उस समय जब श्री भगवान का प्रसव जब उनका नालोच्छेदन हुआ था, तो प्रसवीकरण के बाद जब नालोच्छेदन की दिव्य भूमिका हुई थी तब जो वहां पर बड़ी बूढ़ी गोपी उपस्थित थी तो वे बताती हैं कि कैसे श्री कृष्ण मथुरेश मथुरा के हैं, हमने देखा है कि नालोच्छेदन तो नालोच्छेदन का संस्कार तो हमारे सामने ही हुआ है। तो इस कारण से यह तीसरा प्रूफ है कि हाँ चौथा कि श्री भगवान जो है वो श्री यशोदा जी के गर्भ से पधारे। इसका एक और भी श्लोक है वृंदावन महिमा आनंद वृंदावन चंपू में जिसका मैंने अभी मंगलाचरण किया है, वही है अनाघ्रातम भृंगई रनपहत सौगंध मलिनई, अनाघ्रातम भृंगई रनपहत सौगंध मलिनई, और यशोदाया क्रोड़े कुप्पलयामी बौझास्तद भवे है, यशोदा जी के क्रोड़ से, क्रोड़ मतलब गूम इंग्लिश में जिसको कहते हैं गर्भ से साक्षात श्री भगवान प्रकट हुए हैं। तो ये और प्रूफ है कि ये साक्षात श्री भगवान श्री यशोदा जी के ही मतलब गर्भ से प्रकट हुए हैं। अगले जो है उसके बाद एक और है जो ये योग माया है, ये साक्षात श्री भगवान की छोटी बहन है, इसलिए अदर्श अनुजाह विष्णु हूं अनुजा विष्णु, यहाँ पे विष्णु विष्णु का अर्थ जो है वो श्री भगवान का ही है क्योंकि भगवान के अनंत नामों में से एक नाम विष्णु भी है, तो इसलिए क्योंकि विष्णु शब्द किसके किसे कहते हैं, अलंकार प्रिय विष्णु हूँ, जिनको अलंकार धारण करना अति प्रिय लगता है ये उपनिषद का श्लोक है, तो श्री भगवान को ही श्री भगवान ही श्री विष्णु है, इस कारण से यहाँ पर विष्णु शब्द श्री भगवान के लिए कहा गया। तो विष्णु जी जो श्री भगवान है उनकी सुता जो है जो अनुजा है वह जो है वो श्री योग माया देवी जी हैं, तो इस कारण से ये योग माया जो है श्री कृष्ण की बहन इस समय आई है। अगला दूसरी बात,
जब नामकरण संस्कार के लिए श्री गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी की राय से वहां पर गए, तो उन्होंने वहां पर कहा वसुदेव जी ने कि आप है ना मेरा क्योंकि वसुदेव नंदन भी हैं ये, तो मेरा भी नाम जो है, जब उनका नामकरण करो तो कुछ ऐसा भी नाम रखना जो मुझसे मिलता जुलता हो। तो इस कारण से, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि आजकल तो ऊट पटांग नाम धर दिए जाते हैं, जैसा गुरुदेव ने कहा कोई भी नाम कर दिया कोई भी। एक बार क्या हुआ, एक बार ना जब अयोध्या जी में थे तो वहां पे एक व्यक्ति आया बाहर से कथा सुनने के लिए, तो उसने अपनी अपने बेटे का नाम रख रखा आमिश। तो हमने कहा कि बेटे का नाम क्या, तो बोला महाराज जी ये बेटे का नाम तो है आमिश। मैंने कहा आमिश शब्द का अर्थ जानते हो तुम लोग, कहता नहीं महाराज जी। मैंने कहा आमिश शब्द का अर्थ होता है मांस। ओहो महाराज जी क्या करें क्या करें, अरे क्या करें, जब वेदांत या वेद या फिर किसी संत से तो तुमने नाम लिखवाया करवाया नहीं अपने बच्चे का, तो आमिश नाम रख दिया। तो जैसा नाम रखोगे वैसे इसके गुण हो जाएंगे, क्योंकि ये बात है, श्रुति कहती है कि जिस प्रकार से हम लोग जिसको बुलाते हैं ना, तो वो जो वाक्य निकलते हैं उसको इंडिकेशन करने के लिए, तो वही गुण उसके अंदर प्रस्फुटित हो जाते हैं। ये बात है, इसी कारण से तो हमारे यहाँ पर जो है सबका नाम श्री भगवान के नाम के ऊपर ही रखा गया है, क्योंकि बुलाने पर दो काम हो जाते हैं, उस व्यक्ति को भी बुलाया जाता है और श्री भगवान का मंगलमय नाम लिया जाता है। जैसे राधा रमण आधा इधर आ, तो भगवान का नाम ही हो गया ना, तो यही कारण है। तो बस यही, और फिर अगला जो कहा है कि क्या हुआ, हाँ नामकरण में क्या हुआ, हाँ तो नामकरण किया, जैसे राम राम शब्द नाम रखा गया, तो वैसे दशरथ से र यहाँ पर है ना शब्द, ऐसे ही वहां पर जो भगवान ने नाम रखा, तो इसलिए कृष्ण 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 है ना, वहां पे नंद है ना, श्री नंद राय जी, तो वहां नंद से कृष्ण, इसमें जो नकार है आदौ नकार परतौ नकार मध्य नकारे हतौ नकार इतौ नकार त्रय संयुतस्य कालान शक्ति खलु नन्नस्य, इतना सुंदर श्लोक है। तो फिर इसी कारण से ये नकार जो पहले जब नाम रखते थे उसको पिता और उसका पिता दोनों का नाम एक नाम में होनी चाहिए, कैसे बताओ राम में और कृष्ण कैसे, राम में कैसे उनको पिता का नाम था और कृष्ण में कैसे, दोनों में कैसे, और एक और श्लोक है वो बाद में बताया था पर मैं भूल भाल ना जाऊं इसलिए जल्दी जल्दी, ततः आरभ्य नंदस ब्रजे सर्व समृद्धिमान हरैर निवासात्म गुणैरमा क्रीणम अभूर नृपः। वो लिखा है कि जब नंद बाबा के यहाँ श्री भगवान आए, तो नंद बाबा ने संकल्प किया कि 7 पर्वत तिल के दान करने और अनंत गाय जो है वो दान करने के लिए ब्राह्मण को संकल्प किया। और एक और बात है, यहाँ पर दो अर्थ है इसके, ततः आरभ्य नंदस ब्रजे सर्व समृद्धिमान हरैर निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम अभुर नृपः रमा क्रीडम अभुर नृपः। यहाँ पे एक अर्थ है श्री राधा रानी, और दूसरा अर्थ है कि जब श्री भगवान आ गए तब नंद बाबा के यहाँ पर साक्षात कितना ही लुटाया जा रहा था, तो जितना लुटा रहे थे उससे दुगना वहां पे पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि रमा क्रीडम अभुर नृपः, यहाँ पर एक अर्थ किया है कि रमा क्रीड साक्षात लक्ष्मी जी जहां पे खेल रही हैं वहां पे किस चीज की कमी, इस कारण से रमा क्रीड भगवान की प्रिया है ना, तो इसलिए रमा क्रीडम अभुर नृपः साक्षात वहां पर मतलब बहुत सारा दान हो रहा है। दूसरी बात, जब आए कृष्ण जन के ग्रहण करने पर सूत मागत इत्यादि जो बंधी जन है वो सब जो है वो गान करने लगे। जैसे आप लोगों ने रामायण देखी होगी, रामायण में जब धनुष भंग लीला होनी थी तो आ रहे थे ना वो बंदी जन, हम बंदी जन अपने राजा की विरदावली बखान करे, हम बंदी जन आया था ना, सुना तो हो गए सबने कई बार देखा। तो ये वहां पर विरदावली मतलब यशोगान राजा का, तो इसीलिए वहां पर जो है नंद जी का जो यशोगान। और फिर नंद जी ने क्या किया, अब सबको तो विदित नहीं है कि श्री भगवान आ गए, तो नंद जी ने क्या किया, नंद जी ने किसी नाई को
भेजा कि भैया सारे जगह ढिंडोरा पिटवा दो कि मेरे यहाँ सुंदर नीलमणि स्वरूप श्री भगवान का जो है आविर्भाव हुआ है, यानी मेरे बेटे का जन्म हुआ है उनके अकॉर्डिंग। फिर दूसरी बात, जब गोपी आ रही थी बधाई देने के लिए, इसके बाद और कोई सुना सकता है? उसके बाद और क्या हुआ है? हाँ, कोई सुना सकता हो? अरे यहाँ पर कोई है और कोई नहीं है? अरे तो सुना सकते हो उसके बाद में क्या हुआ है? अब देख कर आए, जब आओ, जब इसलिए हम इतना कोशिश कर रहे हैं, इसलिए स्लो की जरूरत है उसका, कम से कम इतना स्लो अगर याद नहीं हो बाद में करना, लेकिन कम से कम इतना सुनते हो, कम से कम इतना तो प्रयास करना। जब गोपियां आई, तुम दोनों क्या करती हो? कल आई थी ना, काफी काम हुआ। ऐसे पंडित हो जाए, ऐसे सुन सुन के पंडित हो नहीं जाते। हाँ, कुछ सीखने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। तुम सुना सकते हो कुछ याद? मैं कल आई नहीं थी। कल नहीं आई, बहुत बहन अच्छी बात। मैं लेट आई थी गुरुदेव, लेट आई, इसलिए कपेल लेकर गया, तब सीख सकते हो। हमारे गुरुदेव रहते समय कुछ ऐसे लड़कियाँ थी, अभी भागवत कथा कर रही, दो तीन लड़की ऐसे भागवत पूरा कथा कर रही, और जिन्हें कोई शादी नहीं की, अभी पूरा दुनिया में भागवत कथा कर रही। उन लोगों जो बड़े गुरु जी कथा करते थे ना, वो पूरा नोटबुक लेकर आते थे, सारी कथा को नोट करते थे, सारी कथा को नोट करते थे। अगर कोई शंका हो गुरुदेव को प्रश्न करते थे, शंका कोई, अगर वो इतने इतने ये बने, अभी पूरा सारा दुनिया में भागवत कथा कर, सब जगह में ये भागवत कथा कर। इसलिए जब आओ केवल इधर सुना और निकालने से नहीं, उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है? रोक लिखना, आज जब मैं कथा सुनाऊंगा कोशिश करना कल बोलने की, ठीक है? बस नहीं बोल, कल मैंने बहुत सारी कथा सुना, दो सुना सकता हूँ, स्लो की जरूरत आ जाए, उसके बाद में क्या बोलते हैं? देखिए धन्यवाद है पूरा हो जाएगा। इसलिए तुम जो 10 मिनट का समय निकाल सकते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मैं गुरु पादपद्म में कुछ बात भक्ति वेदांत के श्री गुरु स्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरु पादपद्म में कुछ बात, कुछ बात नहीं है। मैं अपने गुरु पादपद्म के नाम में नाम बोल सकता हूँ, कुछ बात हाँ बोलो। प्रणाम करता हूँ तदुपरांत मैं चरिदाम प्रविष्टो विष्णु पाद अष्टोक निषद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के हृदय चरणार विंदों में जो शास्त्र को आकर के वर्णन करते, शास्त्र की बातों को आकर जो बड़े सुंदर सुंदर रागों में सुनाते हैं वो होते हैं सूत, और मागद वो होते हैं जो वंश गुणावली को जो गाते हैं वो होते हैं मागद, और बंदी को होते हैं जो उपस्थित, हाँ जो उपस्थित विषयों को, जैसे किस प्रकार नंद बाबा के जब नंद उत्सव हो रहा है तो किस प्रकार कितना दही वहाँ पर, कितना मक्खन वहाँ पर आया, और कैसे वहाँ माखन की होली, और नंद बाबा ने कैसे वहाँ पे अशर्फियाँ लुटाई है, इतना वहाँ पे धन संपदा को, वहाँ हीरे जवाहरातों को नंद बाबा ने लुटाई, ये जो वर्णन करते हैं ये होते बंदी होते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी तक श्रवण किया, ये बंदी तक हमने श्रवण कर लिया, गुरु जी ने जो बताया था उसके बाद नंद बाबा ने, और चौथा जो बताया था नाई बताया था, नंद बाबा ने नाई को भेज करके सारे ब्रज में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आप लोग सभी लोग आइए और आकर के जो लाला है उसके जन्म का जो उत्सव होगा उसमें आकर के बधाई दीजिए। और सारे नाइयों ने जो नाई जो जाकर के सारे ब्रज में ढिंढोरा पीटा,
सभी लोग नंद बाबा को बधाई देने आए हैं क्योंकि नंदोत्सव चल रहा है। और गोपियां जैसे सबने सुना कि नंद बाबा के महल में जाना है बधाई देने के लिए, तो गोपियों ने तो पहले से उनको पता था कि यशोदा मैया के लाला होने वाला है, तो सारी ब्रज की गोपियों ने 6-6 महीने पहले से ही 80-80 गज के बड़े सुंदर सुंदर लहंगे सिलवा करके रखे थे कि जब यशोदा रानी के जब लाला होगा तो हम लोग वहां सज धज के बधाई देने के लिए जाएंगे। और सारे के सारे जो गोप थे उन्होंने भी बगल बंदी बड़ी सुंदर सुंदर सिलवा रखी हम उसे पहन करके नंद बाबा को बधाई देने जाएंगे। अब यहाँ पे वर्णन आया कि जब गोपियां बधाई देने आ रही है नंद बाबा के महल में, तो उनके जो कानों के कुंडल है वो जोर जोर से हिल रहे, बहुत जोर जोर से हिल रहे, मानो यहाँ पे विष्णु रूपी ठाकुर का बता रहे हैं, मानो वो कुंडल कहना चाहते हो कि आपसे जल्दी हम पहुंच करके यशोदा रानी को बधाई देकर के। और बताया जैसे गुरु जी बताते थे, बता रहे थे कल कि पहले की जितनी भी माता जी होती थी, स्त्रियां होती थी, वो शाम के समय जब उनके पति जब काम से वापस आएंगे तो बड़ा सुंदर श्रृंगार करके और बालों में फूल लगाते थे, जैसे गजरा लगाते, फूलों से केशों का श्रृंगार किया करते। ये सारी गोपियां जो आ रही है सज सज के बड़े सुंदर अलंकार पहन करके और बालों में बड़ा सुंदर फूलों की माला लगा करके आ रही है, तो जल्दी जल्दी चलने से वो फूलों की माला टूट टूट के गिर रही है। तो यहाँ पर बता रहे हैं ये जो पुष्प है, यहाँ पे बड़े सुंदर टीकाकार हमारे विष्णु ठाकुर पाद जी ने बताया कि ये जो फूल है ये वहां पे दो इच्छा कर रहे हैं। पहले ये इच्छा कर रहे हैं कि देखो ये जो गोपियां है ये कितनी सौभाग्यशाली है, कितना इनका सौभाग्य है कि नंद भवन में नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाई देने जा रहे हैं। ऐसा जो व्यक्ति जो कृष्ण जन्म में कृष्ण का दर्शन और बधाई देने जाए, ऐसे व्यक्ति की चरणों की हम पूजा करते हैं। तो फूल क्या कर रहे हैं, उनके चरणों में गिरकर उनके चरणों की आराधना कर रहे हैं। और दूसरा बताया कि ये फूल बोल रहे हैं कि अगर हम नहीं जा सकते तो हमारा, अगर हम नंदोत्सव में जाकर के ठाकुर की सेवा में नहीं लग सकते तो हमारा जीवन धारण करने को यार नहीं है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्राण याद लेना चाहिए और इस ब्रज धूल में मिल जाना चाहिए। इस ब्रज धूल में मिल जाएंगे तो क्या होगा, ये ब्रज धूल तो साधारण है नहीं, ये धूल की क्या महिमा है, राधे तेरे चरणों की। इस ब्रज धूल में कृष्ण क्रीड़ा करेंगे, राधा रानी चलेगी तो उनके चरण हमारे शीश पे पड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये फूलों ने ये दो प्रकार से यहाँ पर ये बताया विष्णु ठाकुर पाद जी ने, और इस प्रकार से गोपियां जो है बधाई देने गए हैं। गोपियों ने सबने यशोदा मैया को बधाई दी है, जुग जुग जी और यशोदा मैया देर लगना, ये सब वहां पे गीत संगीत हुआ है और गोप है उन्होंने नंद बाबा को बधाई दी है। उसके बाद में जैसे मंगलवाची होता है, जैसे दही के अंदर में ये मक्खन के अंदर दही उसमें हल्दी मिला करके एक दूसरे को लगाना, और धीरे 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 जैसे वहां पर दही मक्खन दूध की जैसे होली होने लगी है, ऐसे वहां पर नंद उत्सव बड़ी जोर शोर से होने लगा। सब एक दूसरे के ऊपर दही मक्खन फेंक रहे हैं, जैसे समझो वहां पे पूरा जैसे क्षीर समुद्र वहां प्रस्तुत हो गया हो, और जो नंद बाबा है वो भी वहां पर सारे के सारे गोपियां बड़ा सुंदर नाच गान चल रहा है। लेकिन वहां पर वर्णन आया, एक जगह पर वर्णन आया ये रोहिणी माता का, रोहिणी मैया का वर्णन आया, रोहिणी च महाभागा, रोहिणी जो है उनको महाभागा बताया। रोहिणी को महाभागा क्यों बताया, क्योंकि जो वसुदेव है उनकी तो कई पत्नियां हैं, उनकी कई पत्नियां, मुख्य तौर जैसे रोहिणी है, देवकी है, और देवकी जो है वो तो कारागार में है, उन्होंने तो भगवान के अंश जन्म भी दिया है, उनके गर्भ से भगवान प्रकट हुए, लेकिन फिर भी वो कृपा उनके ऊपर दर्शन नहीं कर पाए किसी भी लीला। लेकिन रोहिणी मैया का क्या सौभाग्य है कि ये नंद भवन में रह करके कृष्ण की सारी लीलाओं का दर्शन बैठ बैठ करके वहां पर करेंगी, सारी लीलाओं का आस्वादन रोहिणी मैया करेंगी वहां पर, इसलिए रोहिणी जी को बताया रोहिणी से महाभागा। और जो रोहिणी है लेकिन वो कौन सा विषय था, बोलिए बच्ची का क्या था, प्रसिद्ध बच्चे का, प्रसिद्ध वो है मतलब इसका मतलब यह है कि अगर किसी स्त्री का कोई पति दूर देश में कष्ट में हो तो वो स्त्री कभी सुखी नहीं हो सकती, इसी कारण से रोहिणी जो है थोड़ी दुखी भी है। और दूसरे नंबर पे उनके पुत्र भी है, बलराम भी हो चुके हैं कृष्ण से 15 दिन पहले, बलराम दाऊ भैया का भी जन्म हो चुका है, इसलिए जो नंद बाबा है वो आकर के रोहिणी जी को समझाते हैं, देखो उत्सव चल रहा है, सभी को नृत्य गान चल रहा है, आप भी नीचे आओ और आप भी उसमें शामिल हो। रोहिणी मैया आती है और बलराम जी को लेकर के आती है, वो छोटे हैं और अभी तक जन्म से उन्होंने आंख नहीं खोली है, आंख को बंद करके रखा हुआ, जैसे मानो
कि जब तक मेरे प्रभु का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं किसी और का दर्शन नहीं करूंगा। वैसे तो मैया नीचे लेकर के आती है कृष्ण के बाजू में, बलराम जी को भी लिटा देते हैं। जैसे ही कृष्ण का स्पर्श होता है बलराम जी आंख खोल देते हैं, आंख खोल के कृष्ण का दर्शन करते हैं। जिसको देख करके रोहिणी जो अभी दुखी थी ना, अभी पुत्र से कितना प्रेम हो, जैसे जैसे बलराम जी ने आंख खोली यशोदा मैया तो खूब आनंद में, और वो भी वहां पर नाचने लगी, वहां पर गाने लगी। इस प्रकार से बड़ा सुंदर ये नंद उत्सव वहां पर चल रहा है। और अतः ततः आराध्यस्य नंदस्य प्रभाकर। हाँ, ये और ये जो नंद बाबा ने वहां पर इतनी धन संपदा लुटाई है, हाथी घोड़े हीरे जवाहरात इतनी धन संपदा लुटाई है कि वहां पर बताया ये जो ब्रज भूमि है रमा क्रीड़ा, रमा क्रीड़ा यहाँ पे रमा शब्द से अर्थ है राधा रानी। हाँ, सभी सर्व सर्व लक्ष्मी में कौन है राधा रानी। राधा रानी ने जैसे बताया कि कृष्ण का जन्म होगा, राधा रानी ने वहां पर सबको आदेश दे दिया किसी प्रकार की धन संपदा किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। कुबेर वहां पे आए हैं और कुबेर देख करके लज्जित हो गए हैं कि मेरे तो मेरा जो जो खजाना है उसमें इतना सामान नहीं जितना नंद बाबा ने यहाँ पर दान में दे दिया, मुझे जबरदस्ती कुबेर बना रखा। नंद बाबा के पास जितनी संपत्ति थी, संपत्ति तो मेरे पास में है ही नहीं। और विप्र ब्राह्मण जो है बड़े बड़े थैलों में बांध करके हीरे जवाहरात लेकर के जा रहे हैं, और थैलों के कोने से जैसे वो गिरता 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 जा रहा, उसको उठाने वाला भी नहीं है। इतना दान वहां पे नंद बाबा ने दिया है। तो इस प्रकार नंद बाबा ने जो है कुबेर को भी लज्जित करने वाला दान वहां पर दिया है। और इसी तरीके से नंद उत्सव चल रहा है। और फिर जो गोप है उन्होंने बोला कि ये जो राजा होता जैसे कंस मथुरा के राजा है, बोला उनको कर देना होता है, वार्षिक कर देना होता है, तो कर देने जाने के लिए वहां पर बताया। फिर नंद बाबा कर देने गए हैं, वहां कंस को कर दिया है, वहां कंस इसलिए कर देने के लिए इसलिए गए शुभ काम में बड़ा विपत्ति पड़ता है। बेटा हो गया शुभ काम में, बहुत दिन से अनासक्त थे संसार में, क्यों जानते हम मरने के बाद तो कोई बेटा बेटी आएगी, पिता माता संपत्ति तो पुत्र के लिए बचा कर रखते हैं, इसलिए उदासीन थे। लेकिन जब कृष्ण जन्म हो गए उनके मन में हिलो डालने लगा है, बेटा होगा बड़ा होगा, घर में बहू आएगी छम छम करके चलेगी, इसलिए आनंद होगा, नाती पति होगी, ये सब अलग अलग सब बात। इसलिए सोचे पहले सोचे ये राजा कंस दुष्ट है, इसको पहले मुंह को बंद कर दे, इसलिए उन्होंने इसलिए गए पहले उनको मुंह को बंद करते और धन दौलत दे करके दही दूध ये सब चीज को दे करके उनको बंद कर दे, इसलिए उन्होंने किसी उसको बात में क्या हुआ। उसके बाद इधर कुछ माताएं भी मुझे लगता है लिखे पड़े, कोई बोलते हैं हम 12वीं क्लास पास किया, कोई बीए पास किया, या इसको करके कभी रोटी सेकने के लिए कल रोटी सेक करके जीवन बिता दो। इसलिए जो थोड़ी लिखे पड़े हो कोशिश करना, जो थोड़ी लिखे पड़े हो सारी कथा तुम नोट आप भी एक एक कापी लेकर के आना, जो लिखे बैठने की बोलने का जरूरत नहीं, आप लोग एक कापी लेकर के आना आकर के सारी कथा को नोट, ठीक है, जो लिखे पड़े थोड़ी सी। और आपका जो अड़ोसी पड़ोसी है ना, आपका जो अड़ोसी पड़ोसी हो कोशिश करना थोड़े थोड़े उनको भी कथा सुनाने के लिए, उनको धीरे 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 कथा सुना करके उनको भी भगवान की भक्ति में उनको जितना कथा सुनती हो उतना कथा कम से कम अड़ोसी पड़ोसी में जो यार दोस्त होंगे उनको भी आप सुना सकते हो, हैं जो नहीं सुन रहे थोड़ी 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 उनको सुना सकते हो। भक्ति में बड़े शांति है, भगवान का नाम जप करो, बच्चे अच्छे मार्ग पर चलेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग भी कोशिश करना एक कापी लेकर के आए और लिखना और कोशिश करना और से बढ़िया तो बोलते हैं। हमारे गुरुदेव का समय ऐसे हुआ, एक हमारे की उमा दीदी एक है, उमा दीदी एक दीदी हमारे गुरु जी का शिष्य है, संपूर्ण पृथ्वी में घूम रहे, संपूर्ण पृथ्वी में घूम रही है, कथा प्रचार कर रहे, एक श्याम रानी आप तो सोच नहीं सकते हो क्या कथा सुना दी। हम लोग तो उनके सामने कुछ नहीं और सुना दिए सिद्धार्थ की बात, एक माता जी वो जो राधा कृष्ण, राधा कृष्ण का जो पिक्चर देखते ना सेवा पिक्चर, वो जो मंजरी को उसने बनाया पृथ्वी में, मुझे लगता है इतने बड़े आर्टिस्ट ही भाई है क्या आर्टिस्ट वो, अटो उसने बनाई पृथ्वी में प्रचार करती है। इसलिए
अभी लड़कियां अपने गुरुदेव के बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं, सारा दुनिया में हरि भक्ति प्रचार कर रही है। इसलिए आप लोग भी अच्छे तरह सुनना, सिंसियर होकर के जितना जानते हो थोड़ी बहुत कोशिश करना बोलने के लिए। अब जब तक आप बोलोगे नहीं ना, आप बहुत जानते हो, और जब तक आप नहीं बोलोगे ना, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप कुछ जानते नहीं। लेकिन आप लोग धीरे धीरे बोलना शुरू करोगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोलना, फिर अंदर में जितने आपके अंदर में धीरे धीरे निकलेगा, और धीरे 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 फिर उस चीज को धीरे धीरे निकलेगा। महापुरुष जब चले गए, महापुरुष के बाद में जो नित्यानंद शक्ति जाने वाले, नित्यानंद प्रभु का जो पत्नी जाने वाले, पूरा आचार्य जी का काम किया उन्होंने, और उनके अधीन में बड़े बड़े संत लोग उनके अधीन में रहे, और उन्होंने खूब भक्ति के प्रचार किया। ठीक है, इसलिए हम चाहते बच्चे लोग, जितने बच्चे लोग हो तुम लोग भी काफी लेकर के आना, ठीक है, काफी लेकर के आना, जितना दूर हो सकते लिखना, लिख कर की कोशिश करना, जितना थोड़ी बहुत हो बोलने के लिए थोड़ी थोड़ी कोशिश करना बोलने के लिए। ठीक है, तो जब जैसे हमें शुरुआत में चिराग प्रभु बता रहे थे जिस प्रकार वो कंस ने गौ ब्राह्मण सबको वध करने का वहां पे मंत्रणा हुई थी, ताकि हम सबका वध कर देंगे, जिससे विष्णु जो है वो बल प्रदान करने वाले ब्राह्मण है ना, देवता है, और ब्राह्मण जो अपना यज्ञ आदि करते हैं वो गायों के जो सार है जैसे दूध दही इससे यज्ञ आदि होते हैं, तो अगर हम गायों का सबका वध कर देंगे तो उससे विष्णु भी कमजोर हो जाएंगे, इस प्रकार वो वध करते हैं। और उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि 10 दिन के अंदर जितने भी बालक हुए सबको हम मार देंगे। उन्होंने अत्याचार चालू भी किया था, सब जगह गए भी थे, लेकिन ये नंद बाबा के वहां पर जाने, क्योंकि नंद बाबा बहुत बड़े राजा है, बहुत बड़े राजा है, अगर वो कंस को डर था कि ऐसा ना हो कि ये गोप का और ये जो भोजपति है, जो भोजपति कंस है, ये भोज वंश है, और इनके बीच में कोई युद्ध ना हो जाए, विद्रोह ना हो जाए, इस कारण से डर के मारे उन्होंने वहां भेजा। उन्होंने युक्ति लगाई कि अब किसको भेजेंगे, ऐसा कुछ काम किया जाए कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, इसलिए उन्होंने पूतना को भेज रहे वहां पे, और पूतना को भेजने की वहां पे, क्योंकि पूतना कोई भी रूप धारण आसानी से। लेकिन ये तो कंस की मंत्रणा चल रही है, लेकिन जेल के अंदर बैठे हुए वसुदेव महाराज है, उनको तो पता है कि वो जो नंद गांव के अंदर जो मैं छोड़ा आया हूँ, नंद गांव के अंदर तो मेरा बेटा है, उसको जेल में बैठ बैठ के वो बड़े बड़े चिंतित रहते हैं, और अपने जितने गुप्तचर है ना उनको लगा करके रखते हैं हमेशा कंस के दरबार में, क्या मंत्रणा चल रही है, क्या वो अगला निर्णय लेने वाले है, क्या होने वाला है। ये जो वसुदेव है ये वृष्णिवंशी है, और अक्रूर और वृष्णिवंशी और भोजपति का उस समय पे गठबंधन, एक दूसरे पे युद्ध नहीं करेंगे, अक्रूर भी उनमें से एक ही है, इसीलिए सारी की सारी खबर जो है वसुदेव के पास में आती रहती थी कि अब कंस ये करने वाला है, वो करने वाला है। तो जब पता चल गया कि वो पुतना को भेजने वाले, तो वसुदेव को ये बात पता है, और नंद बाबा जब गए हैं उनको कर देने के लिए, तो नंद बाबा ने कंस को सारी की सारी वस्तुएं प्रदान करी है, बहुत कुछ वहां पे प्रदान किया वर्णन है उसके अंदर में, और कंस उसको देख करके बड़ा खुश हुआ है, और उन्हें कंस को पूछा भी कि तुम्हारा कोई पुत्र हुआ, वो ये वही दिन था, नंद बाबा बता रहे, और कंस सुन भी रहा है, ये वही दिन है जिस दिन ये जेल के अंदर वो कन्या पैदा हुई है, और नंद बाबा का पुत्र भी उसी समय पैदा हुआ। ये कंस ये बात देख भी रहा है, फिर भी वो हंसता मुस्कुराता बोलता ठीक है सब अच्छा है। तो यहाँ पे नंद बाबा मिलने जाते हैं वसुदेव जी से, क्यों, क्योंकि ये नंद बाबा और वसुदेव भाई है, एक तरीके से दोनों भाई है, क्योंकि दो कन्या है, एक वैश्य कन्या है, क्षत्रिय कन्या है, जो वैश्य कन्या से परिजन बाबा का जन्म हुआ है, और जो क्षत्रिय कन्या शूर से उससे फिर ये वसुदेव महाराज है, और ये 10 भाई थे, उसमें से फिर एक छोटे भाई के पुत्र जो है वो ये है उद्धव जी, इस प्रकार से इनका वंश है ऋषियों का। तो ये जो है नंद बाबा जब दोनों मिल रहे हैं वहां पर, तब नंद तो वसुदेव जी है वो बातों बातों में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र कैसा है, वो उनको पता है कि इनके पास जो पुत्र है वो किसका पुत्र है, वो मेरा पुत्र है, इसलिए बातों बातों में पूछ रहे हैं, और वहां बता भी रहे हैं कि कंस जो है वो मारने के लिए वहां पे पुतना को भेजने वाला, जिसको सुन करके वसुदेव नंद बाबा सब लोग भयभीत हैं, और अब आगे कथा चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णव को नमो नमः वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय कृष्णवत्सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद तथा तेज गुरुपाद पद्म नित्रिला प्रविष्ण विष्णु पाद स्तोत्र सदस्य श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्रिला प्रविष्ण विष्णु पाद स्तोत्र सदस्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजी प्रणाम करता हरे कृष्ण। गत कल हम लोग ने श्रवण कर रहे थे जब श्री नंद बाबा वसुदेव महाराज से मिले वसुदेव महाराज को पता चला ये कंस ने के पुतना को भेज दिया है और 10 दिन के अंदर में कहीं भी ब्रज में कहीं बच्चे जन्म लेगा सारे बच्चों को मारने के लिए। अभी देश को सुन करके वसुदेव महाराज घबरा रहे थे और नंद बाबा वसुदेव महाराज जब दोनों आपस में मिले और दोनों धन में बात हुई इतने में श्री वसुदेव श्री नंद बाबा कह रहे वसुदेव भैया तुम ठीक ठाक है ना। फिर कह रहे तुम ठीक ठाक कैसे हो तुम्हारे 6 बच्चों को तो कंस ने मार दिया। अरे हमने सुना अष्टम गर्भ में एक बेटी हुई सप्तम गर्भ तो बच्चा कहीं नष्ट हो गया। कौन था वो? वो नष्ट नहीं हुआ वो उसको क्या हुआ? उन्होंने आकर्षण करके भगवान के आदेश से जो माया उनके गर्भों को आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन कर दिया। लेकिन ये अंदर की बात तक उसको पता ही नहीं चला। लेकिन ऐसे लोक प्रभात अपवाद हो गया शायद कंस ने कोई जादू चुना मंत्र करके बच्चे को खत्म कर दिया शायद इनका गर्भपात हो गया है। लेकिन कुछ कुछ दैत्य लोग क्या बोले देखा कंस अष्टम गर्भ में तेरा काल जन्म लेगा वो काल आने से पहले वो अपने आप बच्चा खत्म हो गया डर तुम्हारे खत्म हो गया। कुछ लोगों ने भय से बोले ये बच्चा खत्म हो गया है। लेकिन अष्टम गर्भ में कहते एक बेटी हुई उनको तो पता ही नहीं कि क्या हो गया अदला बदली हो गई। कहते तुम्हारी तो एक बेटी हुई खैर हमने सुना वो आकाश में उड़ करके चली गई इतने तुम्हारे दुख की बात है। इतने में वसुदेव महाराज बात को छुपा के भी कहते हैं हमने क्या सुना बुढ़ापा में भी तेरे ठीक करने के लाला भाई हो। बोला हाँ हम लोगों का आशीर्वाद से ये बूढ़े उम्र में भी हमारे घर में एक लाला जन्म भयो है आपका आशीर्वाद से भयो है। इतने में श्री वसुदेव महाराज ने कहा देखो तुम ज्यादा समय यहाँ पर रुकना नहीं क्योंकि उनको पता है ना उतना चलिए बच्चों को मारने के लिए अभी तक बच्चे आप कुछ दिन हुआ है 2-4 हुआ है इसलिए तुम जल्दी जल्दी चले जाओ हैं कोई तुम्हारी ब्रज में अनहोनी हो सकता है। और इतने में श्री नंद बाबा भगवान नारायण को स्मरण करते हुए हे प्रभु नारायण आपकी कृपा से ही ये बूढ़े उम्र में एक बच्चा भयो है इसलिए बच्चों का आप ही रक्षा करना। अभी नारायण को स्मरण करते 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 श्री नंद बाबा आ रहे जब नंद बाबा आए तो यहाँ पर अभी आता है पुतना वध की कथा आती है। कहते कंसना प्रहिता घोरा इस लोक याद कर लेना पुतना लोक बालाग्नि शिशुम सत्सार निघ्नन्ति पुरद्वार ग्रामा प्रजादिषु कहते न जत्र श्रवणादीनि रखद्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु जातु धान्यश्च तत्र या कहते हैं कंस न प्रहिता घोरा पुतना बाला गादिनी कहते कंस को तरह प्रेरिता होकर के ये जो पुतना ये कौन है बालक को जो वध करने वाली ये क्या कर रही है सर्वत्र जा जा करके बच्चों को ये खून पी रही है
और खून पीते 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 फिर वो कहाँ आ गई, वो आ गई श्री ब्रज में आ गई, वो गोकुल में आ गई। तब यहाँ पर कह रहे हैं ये उतना गोकुल में भर गई से आ गई, क्योंकि इसका नाम पूत ना, पूत मतलब होता है पवित्र और ना मतलब होता है नहीं, जो पवित्र नहीं वो अपवित्र है। कदि ये अपवित्र कहाँ प्रवेश करते हैं, बोले नजत्र श्रवण दिनी रखन ज्ञान सुपरमसु, वहीं पर ये अपवित्र प्रवेश करती हैं जहाँ पर भगवान की कथा नहीं, कीर्तन नहीं, भगवान की पूजा पाठ नहीं होता है, उसी घर में ही ये पाप प्रवेश करता है। इसलिए देखना हमारे हर हिंदू घर में माता क्या कहते थे, सवेरे उठ करके दिया जलाना, ठाकुर को धूप दिया दिखाना, आरती पूजा करना, ठाकुर को घर में ही करते थे ना। क्यों? जिस घर में ठाकुर को सेवा पूजा भक्ति हो वो घर में पाप प्रवेश नहीं करती है। इसलिए कहते थे कहते यहाँ पर तो साक्षात आनंद गत भगवान कृष्ण यहाँ पर जन्म हुए। इसलिए यहाँ प्रश्न करती है यहाँ कीर्तन कथा हो वहां पर तो पाप नहीं प्रवेश करती, यहाँ पर साक्षात परम ब्रह्म परात्पर तत्व भगवान कृष्ण जिस गोकुल में जन्म हुए हैं, फिर ये पुत्रा कैसे यहाँ पर आ गए, जहाँ पर कीर्तन हो वहां प्रवेश नहीं करेगी, यहाँ तो ठाकुर जी स्वयं जन्म हुए पर ऐसे प्रवेश कैसे करते। तब यहाँ पर हमारे टीकाकार कहते हैं यदि जो ये जो पुतना थी ये स्वच्छाचारी अपना मनमानी सर्वत्र आकाश में घूम रहे थे, आकाश पथ में भ्रमण करते करते उसने नंद गोकुल में प्रवेश किया। कैसे? विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं अभी पुतना आने का जरूरत है, पुतना यहाँ आने का जरूरत है। बोले क्यों पुतना आने का जरूरत है? कहता अगर ये पुतना नहीं आती तो कहते भगवान चोग माया को द्वारा प्रेरित होकर के आए, अगर ये पुतना नहीं आती तो कहते अभी जो हम पुतना पद की लीला सुन रहे हैं कथा कर सुन, ये लीला ही नहीं होता ठाकुर जी। इसलिए हमारे से कहते हैं जब तो देखो, इसको प्यार को नोट कर लो, जब तो देखो चैतन्य हरि से सब चैतन्य लीला पुष्टि कर, से सब चैतन्य लीला पुष्टि कर। इसका मतलब है महाप्रभु की लीला में जिन जिनियों को सतगुरु देख रहे हो वो एक तरह से प्रभु का लीला को ही मदद करने वाले, जैसे रावण नहीं आता इतना बड़ा रामायण क्या होता है, अगर ये कंस नहीं होता इतना बड़ा कृष्ण लीला क्या होता होता है, अगर जय विजय अगर रावण कुंभकर्ण नहीं आते हैं, अगर शिशुपाल दंतवक्र नहीं आते प्रभु का इतना बड़ा लीला नहीं होता, जगह ही माधा ही नहीं होते महाप्रभु लीला में, जगह ही माधा ही नहीं होते महाप्रभु का इतना महिमा प्रकाश नहीं होता। इसलिए जिन जिनियों को हम देखते हैं ये शत्रु है वो एक तरफ से दूसरे तरफ से देखोगे भगवान का लीला को पुष्टि करने वाले, प्रभु का लीला को ही मदद करने वाले। इसलिए मानव भगवत इच्छा से जोग माया की इच्छा से ये पुतना ने क्या की, ये पुतना आ गई गोकुल में आ गई। जब गोकुल में आई इतने में गोकुल में आकर के ऐसे सुंदर ये देखने में थी, क्या अद्भुत सुंदर बलबलगो स्मितांग विसर्ग विशिष्टई मनोहरंती ब्रजतम वनोपसम असम अमन सतम भोज करेण रूपिणी गोप्यश्री अदृष्टो मिवागतम पति। यहाँ पर वर्णना करते हैं उतना जब आई उसका श्रृंगार कैसे, वो कैसे श्रृंगार की हुई थी, बलगो स्मितांग क्या उसकी मीठी मीठी हंसी, हाँ क्या उसकी मुस्कुराहट अद्भुत जैसे उसकी मुस्कुराहट है, और ऐसे लग रहे थे जैसे मानो भगवान कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं कमल वन से निकल करके ठाकुर जी को स्वागत स्वागत करने के लिए उसने गोकुल में आई है। हैं कद मनोहरंती वनिताम ब्रजो को सम, वो क्या कर रही थी, जो जो उनको देख रहे था ना देख रही थी वो इतने आश्चर्य हो सबका मन को हरण कर रहे थे सबके सब, कदा हम कभी इतने सुंदर रूप देखा ही नहीं, क्या सुंदर इसके रूप, क्या इसकी चाल है, क्या इसकी मीठी मीठी हंसी, क्या इसकी कमर है, इसका क्या वस्त्र, कद इनके जो बृहद नितंब उसका केस में मल्लिका फूल से सुंदर केस को श्रृंगार करके रखी, उसकी क्या कमर की जो पतली, क्या सुंदर कमर की पतली उसकी, उसकी क्या बसन है, उसका क्या कुंडल,
कि उसका क्या मुख क्या उसकी स्वभाव देख देख करके सारे ब्रजवासी हैरान हो रहे थे, ये कहां से आ गई, क्या ये वैकुंठ से उतर करके आई, ना स्वयं अंबिका देवी स्वयं है कहते स्वयं अंबिका देवी दुर्गा देवी क्या प्रभु को स्वागत करने के लिए यहाँ पर ब्रज में आई है। अद्भुत रूप धारण करते हुए उसने ब्रज में प्रवेश की है। तब यहाँ पर एक प्रश्न कर रहे हैं, उन्होंने जब प्रवेश की उस समय में जितने ब्रजवासी इनके रूप को देखकर मोहित हो रहे, इनके रूप को देखकर मोहित हो रहे, तो यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर प्रश्न करते हैं, कहते यहाँ पर ब्रजवासी क्या साधारण है, ये ब्रजवासी क्या साधारण है, क्योंकि कृष्ण के परिकर जैसे ललिता विशाखा चंपकलता मैया जसोदा रोहिणी और जितने सब के सब थी, ये सब ब्रजवासी कृष्ण के नित्य परिकर है। कहते जब भगवान के नित्य परिकर है, कहते भैया इनको क्या राक्षस मोहित कर सकता है, ये सब कुछ जानने वाले ही हैं, सब कुछ जानने वाले, साधारण जोगी होना आप जाओगे तो साथ तुम्हारी ललाट को देखकर सारी बात बता देंगे, तुम कहाँ से आए, तुम्हारे घर कैसे, कहाँ रहते हो, तुम्हारी परिवार कैसे, केवल तुमको देख कर सारे बोल देते, ये साक्षात ब्रजवासी है भगवान की नित्य परिकर। फिर ये लोग सबके सब ये मोहित कैसे हो रहे थे इनके रूप पर, ये प्रश्न करते हैं। कहते ये ठाकुर की लीला है, जोग माया की लीला है, अगर मोहित नहीं होते तो फिर प्रभु की लीला असंभव था, प्रभु का लीला ही नहीं होता है। इसलिए इन्होंने जा करके सीधा किसने की, उसने अंदर में गई, अंदर में जा करके कृष्ण सो रहे थे, उदाहरण दिया कृष्ण कैसे सो रहे थे, जैसे आग जैसे राख को द्वारा ढका हुआ, जैसे कृष्ण आग है, हाँ ये आग है, नहीं तो जैसे कभी कभी होता है ना हम रज्जु मान कर तो सर्प को छेड़ देते हैं, लगता है जैसे ये एक रज्जु, लेकिन वो कौन है, वो सर्प है, अगर सर्प को छोड़ देकर छेड़ दोगे रज्जु मान कर क्या होगा, सपने काट देगा। मानो कृष्ण जैसे राग से छुपा हुआ जैसे आग, बात जैसे ये साक्षात सर्प रज्जु रूप मान कर सर्प को जैसे छेड़ रहे हो। जब इतने में वो गई जाकर के कहती है मैया जसोदा, इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में सुलानी चाहिए, उसको तो गोद में लेकर के प्यार करनी चाहिए, लाड लड़नी चाहिए। उसने केवल एक मुहूर्त के लिए ना, जैसे कि माँ एक छोटे बच्चे को गोद में उठा लेती है, जैसे उसने माँ अपना बच्चे मान करके गोद में उठाया, केवल इतना ठाकुर उसने देख लिया, जैसे उसने मेरे को अपना बेटा मान करके एक सेकेंड के लिए बेटा तो माने, जो कुछ भी हो बेटा तो मेरे को माना उसने, और मेरे को तो गोद में उठाया, इतने वही भगवान कृष्ण उसको ऊपर में रीज गए थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं जिस समय उन्होंने गोद में उठा है, तब यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण कौन है, बोले चरा चरात्मा, चर और अचर इसका जो आत्मा है, पत्ते पत्ते में है, ठाकुर की इच्छा के बगैर के पता भी नहीं मिलता, जो सबको जो जानने वाले ठाकुर है, जब ये चर और अचर का ये आत्मा है, फिर ये क्या पुतना को कहीं समझ नहीं पाए, कहते सब समझते सब कृष्ण सब जानते, लेकिन जानते हुए भी पुतना ने जब उनको गोद में उठाया ना, इतने में कृष्ण आंख बंद कर दिए, जब आंख बंद कर दिए उन्होंने आंख क्यों बंद किए, तो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पांच कारण बता रहे, लेकिन श्री वल्लभाचार्य उन्होंने दस कारण बताए, इन्होंने पांच कारण बताए, उन्होंने दस कारण बताया, कहते क्या क्या कारण हम उसको सुनते हैं। कहते पहला कारण बताए, कहते कृष्ण बच्चों का एक बाल्य स्वभाव होता है, क्या बाल्य स्वभाव होता है, अगर किसी नए व्यक्ति को देखे ना डर जाते हैं, अब देखना बच्चे कुछ कुछ बच्चे तो गोद में चले जाते हैं, लेकिन देखना कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नहीं, अपना बिना परिचय के व्यक्ति के गोद में जाना नहीं चाहते, रोते हैं, लेने पर भी उसको गोद में नहीं जाते, इसलिए अभी छोटे बच्चे हैं। अभी कृष्ण सोचा है पता नहीं दारी के घास आ गई है, इसको हमने कोई देखा ही नहीं, इसलिए मानो देख करके हाँ पुतना को देख कर कृष्ण ने अपना डरते हुए उन्होंने अपना आंख को बंद कर दिया, कहते ये एक कारण है। और दूसरा कारण कहते हैं, आप देखना अक्सर करके जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो ज्यादा सोते हैं, दूध पी करके ज्यादा सो जाते हैं, मानो थोड़ी देर पहले कृष्ण जगे हुए थे, अभी मानो दूध पी कर कृष्ण ने सोए सो गए, ये दूसरा कारण कहते हैं कृष्ण भी सो गए हैं। और सो
इसलिए कहते हैं यहाँ पर दो कारण बताए कृष्ण क्यों आग बन सके। तीसरा कारण कहते हैं कृष्ण सोच रहे हैं इसने गोकुल में आई, बोले क्यों गोकुल में आई, बोले बच्चों को मारने के लिए आई। कृष्ण सोच रहे हैं ब्रज में जितने बच्चे तब कौन है, कहते मेरे सखा और मेरे सखियां, सखियां जैसे ललिता कही विशाखा छप्पक लता तुंग विद्या चित्रा रूप मंजरी रति मंजरी, ये सब मेरे सखी और जितने बालक जन्म हुए कौन मेरे सखा सुदामा वसुदा मधुमंगल स्तो कृष्ण अर्जुन है ये मेरे सखा, परंतु इन लोगों को तो मारने के लिए आई है, मेरे भक्तों को मारने के लिए आई, इसलिए मैं तेरे मुंह देखना नहीं चाहता। इसलिए ठाकुर ने क्या किया आग को बंद कर दिया। कितना कारण हो गया, इसलिए कहती है तीसरा कारण। बोले चौथा कारण क्या है, कहते भगवान आए क्यों जगत में, इसलिए ठाकुर जी जगत में आए परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुश्चिंता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जगदे। इसलिए ठाकुर जी आते हैं दुष्टों को विनाश करने के लिए और अपना संतों को पालन करने के लिए, इसलिए ठाकुर जी आते हैं। अभी कृष्ण को सर्वप्रथम उन्होंने पुतना को मारेंगे, अभी श्री गणेश करें, अभी श्री गणेश करें पुतना को सबसे पहले मारेंगे। अभी ठाकुर जी सोच रहे हैं अगर मैं आंख खोल करके रखना है मेरे सामने की अविद्या टिक नहीं सकता, कहते ना मंगल भवन अमंगल है, इसलिए भगवान के सामने ये जो अविद्या जो पाप है वो टिक नहीं सकता है। इसलिए ठाकुर जी सोच रहे हैं अगर मैं आंख खोल कर रखूंगा ना हो ना हो ये जल करके ये रात नहीं हो जाए, इसलिए ठाकुर ने किया गया उन्होंने आंख खोलने बंद कर दिया है। कितना कारण हो गया, चार कारण हो गया। कहते पंचमा कारण कह रहे हैं ठाकुर जी सोच रहे हैं ये अभी मेरे को है अपना बच्चे मान करके उसने अभी मेरे को स्तन पान करना चाहती है, बच्चे मान करके हमें स्तन पान करना चाहती है, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा उसको मैं मारूंगा, जब मारूंगा अभी छटपट आएगी, जब छटपट आएगी जो कुछ भी हो तभी तो मेरी माँ के रूप धारण करके आया मेरे, तभी तो मेरे को कह रहे इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में सुलानी चाहिए, उसको तो गोद में लेकर उसको प्यार करनी चाहिए। इसलिए ठाकुर जी सोच रहे हैं जब उसको मारूंगा अभी छटपट 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 करेगी, अभी इसको दुख को मैं कैसे देख सकता हूँ, इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया उन्होंने आंख को बंद कर दिया है। कभी ये और उसकी जो छठवां कारण कहते हैं इसलिए ठाकुर जी जो पुतना है कहती स्त्री है, ये स्त्री रूप धारण करता है, इसलिए स्त्री को मारना पाप लगता है, स्त्रियों को मारना पाप लगता है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं मैं कहाँ आया हूँ जगत में दुष्टों को संहार करने के लिए, लेकिन सबसे पहले एक स्त्री आ गई। अब एक स्त्री को कैसे मैं वध करूं, इसलिए मेरे को शर्म लग रहा है, ठाकुर जी कह रहे मेरे को शर्म लग रहा है कोई, इसलिए युद्ध किस किस को होता है, पुरुष पुरुष में युद्ध होता है ना, स्त्री स्त्री में कोई युद्ध देखे हो कभी, देखो स्त्री स्त्री में युद्ध नहीं होता है, पुरुष पुरुष में युद्ध होता है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं पहला बार में एक स्त्री से मेरे को भिड़ना पड़ रहा है, इसलिए मेरे को शर्म लग रहा है, इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया उन्होंने आंख को बंद कर दिया। कितना कारण हो गया, छह कारण हो गया। इसलिए सप्तम कारण बताए, अभी भगवान के अंदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, लेकिन ठाकुर जी अभी तो स्तन पान करने जा रहे हैं, लेकिन स्तन में तो कालकूट जहर ही है, इसलिए जब कृष्ण कालकूट जहर को पान करेंगे भगवान के पेट के अंदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड विद्यमान है। अभी जितने विश्व ब्रह्मांड घबरा गए, ब्रह्मा शंकर आदि बोले हे प्रभु आप पुतना के स्तन को पान मत किया करो, क्योंकि उसकी जो गर्भ में उसकी स्तन में केवल कालकूट जहर और कुछ नहीं, लेकिन आपके गर्भ में हम विश्व ब्रह्मांड है ना, अगर आप उसको पान करेंगे तो हम सबके सब मारा जाएंगे, इसलिए हे प्रभु आप मत पान कर करो। इसलिए कृष्ण ने क्या किया हाथ बद्ध करते हुए श्री शंकर जी को स्मरण किया, बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आ, बोले क्या आप क्या बात, बोले क्या बात किया तुम्हारा काम है विष पीना और हमारे काम है दूध पीना, इसलिए आप विष विष को पी लो, अब मैं तो मक्खन चोर हूँ दूध पीने वाला, मैं दूध दूध को
पी लेता हूँ। पिछले कितना कर्म हो गया? सात हो गया। आठवा कर्म बताए, कृष्ण सोच रहे हैं ये पुतना पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा तपस्या की, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आप बनाए। जन्म जन्मांतर जतन करने पर भी अंतिम समय में भगवान का नाम सहज में नहीं आता, लेकिन इसने इसे क्या पूर्व जन्म में पुण्य किया, मैं साक्षात परात पर परम ब्रह्म को ये मेरे को गोद में लेकर के मेरे को स्थान दिलाना चाहती है, इसलिए ठाकुर जी आंख बंद करके उसके पूर्व जन्म का पुण्य को देखना चाहते हैं। जब आंख बंद किया ना, मैं सचमुच से ये पुण्यात्मा ये पापात्मा नहीं है, क्योंकि मैं जब बलि महाराज के दरबार में गया था, उनकी जो बेटी रत्नवाला ने मेरे रूप को देख करके रिझ गई थी, अगर मेरा ऐसे के बेटा होता है ना, दिन भर में गोद में लेकर उसको लाड लड़ाती। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरा बेटा बच कर के आ जाऊंगा, लेकिन जिस समय मैंने दो पग में विश्व ब्रह्मांड और तीन पग में कोई स्थान नहीं, फिर उसको नाक पास बंधन में बांध दिया, फिर क्रोधित हो गई, तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिता का सब कुछ हड़प लिया, हड़प के लिया ही पिताजी का, फिर मेरे पिताजी को बांध भी दिया, अगर तुम मेरे बेटे बन कर आओगे ना, तेरे को दूध की अतर में जहर पिलाऊंगी। इसलिए उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने ये चीज को देखा ठाकुर जी ने, इसलिए पुण्यात्मा ये पापात्मा नहीं। ऐसे ही टीकाकारों ने बहुत बहुत कुछ कारण बताए, बहुत बहुत कुछ कारण। इतने में उन्होंने जब उन्होंने कृष्ण को गोद में लिया, लेकर के अपना स्तन को कृष्ण के मुंह में दिया, जब कृष्ण के मुंह में स्तन को देते हैं, उसी समय में कराभ्यम भगवान प्रपिट्यत प्राणे समम रोषितम रोषितम समनितम पिबत। उसी समय भगवान क्या किया, उसका स्तन को जोर से पकड़े करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका स्तन क्या पान करेगी, उन्होंने उसका प्राण को उन्होंने शोषण किया। पर कारण क्या है, कहते प्राण ही समम रोषम समनितम अपिबत, कहते उन्होंने क्या कर रहे थे, कृष्ण रोष पूर्वक उसको प्राण को ले रहे थे। बल्कि इसलिए तब टीकाकार कह रहे हैं इसलिए ले रहे थे, बोले तुम किस लिए यहाँ पर आई हो, बच्चों को मारने के लिए आई हो, जानते हो ये बच्चे सब कौन है, सब मेरे सखा सखी हैं, इनको तुमने मारने के लिए आई, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को मैं प्राण को मैं शोषण करूंगा। इस जिस समय मैंने कृष्ण उसकी प्राण को जब शोषण कर रहे थे, बोले माम चमुंचल मिति प्रभासनी, इतने में उसने छोड़ बोले बहुत तुमने दूध पान कर लिया, छोड़ो मेरे छोड़ो, क्योंकि उसने देखा इतना छोटा बच्चा 6 दिन का और उसने पूरा पूरा प्राण को शोषण कर रही है, इतने में उसने बहुत कोशिश की छुड़ाने के लिए। कृष्ण बोले देखो मैंने थोड़ी बोला गोद में लेने के लिए, फिर तू मेरे माँ बन कर के आए, फिर तू खुद मेरे को गोद में लिया लेकर के स्तन पान कर रहे हो, फिर मैं कभी तेरे को छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए उन्होंने छुड़ाने पर भी कृष्ण छोड़े नहीं, बोले क्यों, तो जब तक मैं अपना चरण में अपना पद में चरण में नहीं पहुंचा देता हूँ, तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं, और सहज में मैं किसको पकड़ता है नहीं, मैं सहज में किसको नहीं, लेकिन जिसको पकड़ लेता हूँ ना, जब तक उसका कल्याण उद्धार नहीं करता हूँ, तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए तुम स्वयं आई और मेरे गोद में उठाई, मैं तेरे को कभी छोड़ सकता, जब तक अपना चरण में नहीं पहुंचा लूंगा, तब तक मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं। जब उसने किसी तरह से उसने छुड़ा नहीं सके, किसी तरह से सारे ताकत को लगा दी, इतने में वो सोच रही है अगर मैं मथुरा में मेरे भैया तत्स है, अगर किसी तरह से इसको उड़ा करके ले जाऊं वहां पर ना, नहीं तो मेरे भैया तत्स कुछ ना कुछ करेगा। इतने में पुतना ने धीरे 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 अपना असली के स्वरूप को उन्होंने प्रकाशित किया। तो यहाँ पर कहते हैं तद देह स्त्री कव्युत अंतर ध्रुवान, कहते उसका शरीर कितना था, बोले त्रि कव्युत, कभी कभी कहते एक कव्युत 4 मील, कभी कभी कहते हैं, कभी कभी कहते 6 मील है, अगर 6 मील हो तो 6 तरीके 8 मील, इतने बड़ी उसकी सर उसकी शरीर था। इसलिए कभी कभी कथा का उदाहरण देते हैं हंसी तिलक से, कहते जहां पर उसका मूड गिरा ना, वो स्थान का नाम होता मूड स्थान, जहां पर उसको अलंकार गिला उसका नाम हो गया आलीगढ़, जहां पर उसकी हाथ गिरी हो गया हाथरस है हाथरस, जहां पर उसका घर शरीर गिरा हो गया आगरा, आगरा कभी कभी हंसी दिलक में
कथा का देखो भरना करते जब कभी हासिल दिला करते हुए कहते हैं इसने इसलिए वो इसने जितने पढ़ी थी इसलिए ध्यान दिया। तो यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, यहाँ पर जीव गोस्वामी कहते हैं भगवान ने कहा देखो कहा तुम्हारी माँ बन करके आई तरफ में मथुरा जाने नहीं यही तुम्हारी कल्याण करूंगा। उसको उड़ा के हुए ले गए और जितने ब्रजवासी थे ये क्या हुआ ये क्या हुआ, मैया यशोदा रोहिणी तो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी हैं, ये क्या हुआ, सबके सब उसको पीछे भागने लगे। लेकिन उसके शरीर को उन्होंने जहां कहां पर लेकर गिराया, तब जीव गोस्वामी कहते हैं जहां गैया चरते थे जहां ब्रजवासियों का खेती है वहां पर नहीं गिराया, बोले कहां पर गिराया, बोले कंस का एक सुंदर बगीचा था, कंस का सबसे सुंदर जहां पर सुंदर सुंदर फल फूल होता था, उसका निर्देश था कि यहाँ का कोई फल फूल किसी ब्रजवासी कृष्ण कृष्ण भक्त को नहीं मिलनी चाहिए, मेरे को और मेरे अनुयायी जो लोग हैं मेरे तो यार दोस्त है उनको मिलनी चाहिए। इसलिए जीव गोस्वामी कहे बोले दुष्टा दुनिया मैंने बनाया ईसा वास्तव सर्वम जगकिंचा जगता जगत, जगत में जो कुछ देख रहे हैं ठाकुर ने सब कुछ बनाया, ठाकुर का सब कुछ है और मेरे को मेरे भक्तों को नहीं मिलेगा, सब दुष्ट लोगों को भी अभी मैं दिखाता हूँ। उन्होंने पुतना को उठा कर ले गए और उसी बगीचा में गिराए और गिराया तो जितना फल फूल जितने उसका बढ़िया था ना इतना बड़ा शरीर किया तो सबके सब तोड़ फोड़ के बता। यहाँ सिखा देते हैं अगर हम ठाकुर को सेवा में कोई चीज नहीं लगाएंगे ना तो भैया पुतना वहां पर आ जाएगा, पुतना आकर के कहीं से गिरेगी सबके सब तुम्हारी सत्यानाश कर देगी। इसलिए हर चीज को क्या करो ठाकुर को सेवा में लगाओ भगवान की सेवा में लगाओ तो ठाकुर जी उसको रखा करे क्यों ये मेरी सेवा कर रहे हैं मेरी सेवा कर रहे हैं इसलिए वो चीज तुम्हारी रक्षा रहेगी हैं रक्षा उस चीज तुम्हारी सुरक्षित रहेगी। इसलिए हाँ यहाँ पर और एक बात कहते हैं जिस समय पुतना ने पुतना जब माँ की रूप धारण करके आई इतने सुंदर फिर वो इतने सुंदर बन कर वो साधारण रूप में आ सकती थी लेकिन इतने ठन बन करके सज करके माई बोले इसीलिए आई अगर मैं साधारण कोई रूप लेकर के जाऊं ना हैं बहन मेरे को अंदर में घुसने नहीं दे अंदर में घुसने नहीं दे ऐसे रूप धारण करके जाओ कोई रोग ठोक जैसे नहीं हो। इसलिए कहते हैं यहाँ पर सख्यात कौन थे वहां पर रोहिणी और मैया जसोदा स्वयं थी हैं। तो फिर उन्होंने मना करते ना भैया तू कहां से आई अनजान व्यक्ति हमारे लाला को बिना कारण जो गोद में उठा रहे जैसे तुम किसी को नहीं जानती हो अगर आकर तेरे लाला को छोटे बच्चे को उठाए अब उठाने थोड़ी दोगे अभी जो केवल छह जिनी का है उसको थोड़ी दोगे बोले तुम कौन हो कहाँ से आए हो बोलोगे ना लेकिन वो बोले नहीं क्यों इसलिए नहीं बोले उनको लग रहा था कि कृष्ण जितने सुंदर है अगर सचमुच से इसकी कोई मैया है मैं इतनी सुंदर है क्या ना माँ के रूप पेट में आते हैं ना माँ बेटा पिता जितने सुंदर होगा बेटे तो उतना सुंदर होंगे ना इसलिए ये इतने सुंदर ही बन करके आई थी मैया सोच रही थी इसकी मैया बनने का मैं लायक नहीं यही लायक मतलब इतने सुंदर वो बन करके आई थी इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हुआ बोलने के लिए हैं तू कैसे बच्चे को सोच रहे थे कोई अंबिका कोई लक्ष्मी से आता है लाला को आशीर्वाद देने के लिए मुंह से बाहें नहीं निकले इसलिए कोई हमें कुछ बोले नहीं इसलिए इतने सुंदर ही वो बन करके आई थी। फिर तो उन्होंने वहां पर गिराए फिर ब्रजवासी कैसे पीछे पीछे गए और कृष्ण को कैसे उद्धार किया क्या किया अरे हम इस कथा को पहले हम इसको कथा को फिर परसों सुनेंगे। देखो कल है हमारे जो परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की कल तिरुभाव मतलब शरीर उनने छोड़ा था है जिनकी कृपा से अभी जो हम थोड़ी बहुत तिलक लगा करके गले में कंठी बैठ करके थोड़ी सी ठाकुर जी की चर्चा कर रहे हैं ये महापुरुष का ही कृपा है। यदि संत कहते अगर ये महापुरुष जगत में नहीं आते ना ये दुनिया नहीं रहती दुनिया नष्ट हो जाती क्योंकि भगवान ये दुनिया को क्यों रखे अभी तक इसलिए रखे ठाकुर जी इसीलिए रखे चूंकि अभी कुछ कुछ संत लोग है भजन मेरा कर रहे मेरे नाम कीर्तन कर रहे। अब तो बताओ हर देश में ऐसे एटम बम बना कर रखे ना अब चाइना के साथ में लड़ाई होने जा रहा है लेकिन सब किसी लिए सब नहीं हुआ क्या किया अगर लड़ाई होता ना कहते इस बार अगर विश्व युद्ध छिड़ गया ना कोई बचेगा नहीं कहते
25% अगर जो बना हुआ एटम बम को छोड़ेंगे ये पृथ्वी पूरा ध्वंस हो जाएगी। हिरोशि का नारा नागासी का भी पड़ा है एटम बम अभी तक भी वहां पर है पेड़ पौधा नहीं हो रहे, अभी जो उससे भी मारात्मक अभी एटम बम बना हुआ है, अगर छेड़ गया तो कोई बचने वाले नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये युद्ध क्यों नहीं हो रहा है, कितने होगा जो बंद करके जब रखा है इसे पढ़ रखा है उसको पूजा करने के लिए थोड़ा उसको होगा, लेकिन ये कब होगा जब ठाकुर जी देखेंगे भगवान का प्रतिज्ञा है ना, कृष्ण को भगवान बोले बोले अब कृष्ण अर्जुन को बोले अर्जुन तो प्रतिज्ञा कर पौनते हुआ प्रतिजानी न मैं भक्ता प्रसती, मेरे भक्तों का विनाश नहीं मेरे को भजन करते। ठाकुर अर्जुन को भक्त क्यों भक्तों द्वारा क्यों कराते हैं, कहते मैं जब कोई प्रतिज्ञा करता हूँ जब फिर भक्त मेरे कोई प्रतिज्ञा करते हैं मैं अपना प्रतिज्ञा छोड़ करके भक्त प्रतिज्ञा क्या करता हूँ, अगर मेरे भक्त अगर कोई प्रतिज्ञा करेगा तो मैं इसको कभी तोड़ता नहीं, भक्त प्रतिज्ञा को रक्षा करता हूँ। इसलिए भगवान देखते हैं अगर आटम बम पड़ेगी अरे ये बड़ो तुम्हें जो तिलक कटधारी है समझ गए, इसलिए ठाकुर जी क्या कर रहे हैं ठाकुर जी ये आटम बम को फेंक नहीं रहे, युद्ध नहीं चढ़ा रहे, क्योंकि बुद्धि देने वाले ठाकुर जी हैं, बुद्धि तो देने वाले हो ददामी बुद्धि जगोत्तम, बुद्धि देने वाला मैं हूँ, इसलिए जब तक हम भक्ति करते रहेंगे भजन करते रहेंगे ये सब होने वाले नहीं। इसलिए कहते जगत में जो हरि भक्ति संपूर्ण पृथ्वी में महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी ते आशे ज्यादा नगराधि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमरना, पृथ्वी में गांव गांव में शहर शहर में सारा दुनिया में मेरे नाम गूंज उठेगा, इसने प्रभुपाद का प्रचार को देख करके बोले प्रभुपाद हर गांव गांव में एक एक भगवान की मंदिर एक शहर शहर में होनी चाहिए, एक शहर शहर में प्रभुपाद का शहर शहर में क्यों, मैं चाहता हूँ हर गांव गांव में एक मंदिर हो गौड़ मठ हो, प्रभुपाद कहते गांव गांव में नहीं हम कहते घर घर में, बोले घर घर में नहीं एक एक इंसान को ही भगवान की मंदिर बनाना चाहता हूँ, मतलब ये चाहता हूँ सबके सब जो तिलक लगाए ना क्या है भगवान की मंदिर है, जो तिलक है ना ठाकुर का मंदिर है, प्रभुपाद कहते हर व्यक्ति को मैं ये मंदिर बनाना चाहता हूँ, हर व्यक्ति के लिए कंठी तिलक पहने और सबके सब हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये प्रभुपाद की इच्छा देखो देखो तभी ये प्रभुपाद की इच्छा पूरी होगी ना, अगर आप लोग एक्टिविटी बनाओ आप लोग भी प्रतिज्ञा कर लीजिए आप भी अपना अड़ोस पड़ोसियों को भक्ति में लगा के प्रचार करेंगे, मतलब भी ठाकुर जी की हम कथा सुनाए ठीक है ना। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे जब जब आओ कम से कम 10-10 व्यक्ति को लेकर गुरुदेव का 10-10 मतलब अड़ोसी पड़ोसियों को कथा सुनाओ भगवान कीर्तन करा सुना। देखो अब अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं है? हम कोशिश जैसे कल बता रहे थे ना कोशिश करना तुम्हारे घर में जितने यंग बच्चों को अड़ोस पड़ोसी आता है यंग बच्चों को बुलाओ बुला कर आप घर में हम आएंगे, विशेषकर यंग जो बच्चों को बुलाओगे तो हमारे अनिरुद्ध प्रभु जी जाकर के आप लोग सब कथा सुनाएंगे, यंग बच्चों को पकड़ेंगे पकड़कर उनको भक्ति के बारे में बताएंगे और इनको मंदिर में बुलाएंगे ठीक है। हम चाहते पूरा बड़ौत में ऐसे हो ना पूरा बड़ौत पूरा घर घर में प्रभु का कीर्तन भजन सब भगवान की भक्त हो जाए ठीक है ना, सब भगवान की भक्त हो जाए। इसलिए आप लोग सब के सब इसलिए ये प्रभुपाद प्रभुपाद कहते हैं प्रभुपाद नहीं आते दुनिया में इतने प्रचार प्रचार नहीं होता इतने भक्ति प्रचार नहीं होता, ये महापुरुष का कृपा थी है इसलिए इनकी कृपा थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं ठाकुर का नाम कीर्तन भजन करने के लिए। कल इनका तिरुभाव मतलब कल का दिन इन्होंने अपना शरीर छोड़े थे, देखो जब उन्हें शरीर छोड़े उस समय किया हुआ जाए तो एक आश्चर्य घटना हुआ, वो मंदिर में जितने घड़ी थी ना इसलिए कल शाम को हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के उनकी गुणानुवाद उनकी कथा सुनेंगे इनका तुम लोग सब पे सब पढ़ करके आए ठीक है ना, उनका चरित्र उस युग में पहले पहले जिन लोगों ने कथा दिया होते उसको देखना उसको नोट करना और सबके सब तैयार हो गएगा ना कल उनकी चरण में पुष्पांजलि देने के लिए। अगर आप लोग अगर बोलना चाहोगे तो
कोशिश कर सकते हो यूट्यूब ढूंढना, यूट्यूब में देखना कहाँ की कब कब उनकी कथा हुई थी, उसे थोड़ी थोड़ी उनकी कथा को नोट करके ला सकती हो। अगर कोई बोलना चाहते हो कोई तुम्हारे कोई जोर नहीं है तो कल आओगे नहीं, इसलिए आपसे कोई जोर नहीं है। अगर बोलना चाहोगे तो देखो, जब कोई चीज को बोलना चाहोगे ना फिर क्या होगा, तीन बार आपके दिमाग में कोई चीज चलेगी, क्या बोलेंगे, कहाँ पर कथा उन्होंने कहाँ जन्म हुए थे, कैसे मिला के, देखना दिमाग को इसके सिवाय और कुछ नहीं आए तो क्यों बोलना पड़ेगा ना, कुछ सुनोगे कुछ लिखोगे बोल तभी तो बोल सकते हो, ऐसे तो बोल ही नहीं सकते। इसलिए अगर चाहोगे तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम सबको जान सकते हैं बोलने के लिए। और कल जो है हम उसको शाम को करेंगे, ठीक है ना, हम लोग सवेरे सवेरे तो हम लोग अपने आप कर लेंगे, उनके चरण में पुष्पांजलि दे देंगे, लेकिन शाम को जैसे आते हो कल भंडारा भी है, प्रसाद भी है कल, और सब अड़ोसी पड़ोसी को बुला कर ले आना, हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी कल है ना, सब देखो सबसे ज्यादा चिंता है घर में खाना, भूखे ना भजन हो, अब प्रसाद तो यही मिलेगा, इसलिए आप थोड़ा सी जल्दी चल जाना, कितना बजे आओ, 5 बजे ठीक है आ जाए, हम देखना चाहता 5 बजे यहाँ पर पूरा आ जाना चाहिए, जिनको लेकर के आप 5 बजे तक ले आना, फिर 7:30 तक हो जाएगी, हाँ 5 बजे तो 4 बजे नहीं, कोशिश करना 5 बजे आ जाओ, हम कोशिश करेंगे 5 बजे से। और देखो हमारे अभी प्रभुपाद का जो फोटो है ना, उतर हम सब जैसे सब आशीर्वाद में सब मिल करके थोड़ा वो जो फूल फूलों का ले आना है ना, उसे सजा करके हम थोड़ा सजा देंगे प्रभुपाद, और फूल की माला सवेरे हम पुष्पांजलि करेंगे, है ना, ठीक। भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सपरिकर गौर हरि की जय। पिताय गौर प्रेमानंद श्यामानंद महाराज आई कौन हेला सिंहार हाँ ठीक है, खोली दियो तापर फोन कर, जितनी हेला जितनी कर दियो तापर कर दो, ठीक है, हाँ बोला आरती आरोप कर, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे ऊपर से बुला दो बच्चा, क्या सीधा बुला दो, Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama.
Thank you.
Thank you.
श्री श्री गुरु वंदे का श्री गिरधारी राधा गोविंद बिहारी जी की राधा रमन बिहारी राधा गोविंद देव जी की राधा गोपीनाथ मदन मोहन जी की राधा दामोदर राधा श्याम सुंदर जी की गीताई कौर की गिरिराज महाराज की जय ओम शिवपादे श्रवास श्रीमद भक्ति वेदांत शिवधर गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव जी की जय नित्य लीला पर विष्णु कृष्ण पाद स्तोत्र श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी पर गुरुदेव महाराज की जय जय नित्य लीला पर विष्णु कृष्ण पाद स्तोत्र श्री भक्ति वेदांत श्री मोहन गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला पर विष्णु कृष्ण पाद स्तोत्र श्री भक्ति वेदांत श्री त्रिकम गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला पर विष्णु कृष्ण पाद स्तोत्र श्री भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला पर विष्णु कृष्ण पाद स्तोत्र श्री भक्ति श्री श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी पर गुरुदेव महाराज की जय जय नित्य लीला पर विष्णु कृष्ण पाद स्तोत्र श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी पर गुरुदेव महाराज की जय जय नित्य लीला पर विष्णु कृष्ण पाद स्तोत्र श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की जय परमहंस बाबा जी श्री गोविंद किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय सच्चिदानंद विग्रह श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय जय श्री गौड़िया वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु की जय जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय जय श्री रूप सनातन भट्टनाथ श्री जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंदादि श्री गौर पार्षद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि श्री गौर भट्टवृंद की जय श्री मायापुर धाम की जय नवदीप धाम की जय वृंदावन धाम की जय गिरिराज धाम की जय नीलांचल धाम की जय बद्रीनाथ धाम की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश सनातन श्री गजमंडल की जय द्वादश उपनों की जय श्री श्याम कुंड राधा कुंड गंगा यमुना तुलसी भक्ति देवी की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्रवर्ती की जय सक्षी नरसिंह भगवान की जय भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय चारों धाम की जय चारों संप्रदाय की जय चारों आचार्य की जय आकर मठरा श्री चैतन्य मठ की जय श्री गौड़िया वेदांत समिति की जय देवानंद गौड़िया मठ सरकार समूह की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्रीमद भागवत महापुराण की जय गौ माता की जय सनातन धर्म की जय संजय आरती की जय आरती दर्शनकारी भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा गोविंद गौड़िया मठ की जय श्री श्री रूप सनातन गौड़िया मठ की जय श्री श्री गिरधारी गौड़िया मठ की जय श्री श्री गौण बिहारी गौड़िया मठ की जय श्री श्री राधा माधव गौड़िया मठ की जय श्री श्री राधा दामोदर गौड़िया मठ की जय श्री राधा विनोद बिहारी गौड़िया मठ की जय जय श्री श्री गौर नारायण गौर मठ की जय श्री श्री देवानंद गौड़िया मठ की जय श्री केशव जी गौड़िया मठ की जय भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव जी की समागत गौर भक्त वृंद की जय श्री गौर प्रेमानंद गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर गौर प्रेमानंदे हरि नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो I'm
तुलसी कृष्ण प्रिय